तो मेरे को गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया, मतलब 2 साल 1 महीने या 2 महीना कह लीजिए। और अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो मैंने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। 23,236 यानी कि 23,236 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या सोच रहे हैं कि अब हमको भी गाड़ी चलानी चाहिए, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन देगा कि आप भी गाड़ी चला सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चैनल पर और इस एक और नई वीडियो में। तो मेरी तरफ से जो सबसे पहली टिप है वो ये कि आप कोई भी एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, एंड उसको आप तब तक ज्वाइन कर रखिए कि जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि अब आप खुद अकेले गाड़ी लेकर के सड़क पे निकल सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी जो ड्राइविंग स्कूल होता है वो 15 दिन या 7 दिन का ही कोर्स देते हैं। मतलब 15 दिन अगर आप सीख रहे हो तो आधा आधा घंटे गाड़ी चलवाते हैं, और अगर 7 दिन देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 1 घंटा ऐसे करके। तो बट ऐसा नहीं है कि जैसे 15 दिन का कोर्स है तो 15 दिन कर करके आपने छोड़ दिया, नहीं। मेरे हिसाब से आपको गाड़ी तब तक चलाते रहनी है जो बगल में भैया जो भी आपको गाड़ी सिखा रहे हैं उनसे बोलना है, भैया जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप क्लच और ब्रेक से पांव हटा करके आराम से बैठ गए हो, आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं गाड़ी बढ़िया चला रहा हूं या चला रही हूं, तो ही मैं ये मतलब कोर्स आपका छोड़ूंगी। जैसे 15 दिन खत्म हो गया फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया और आप अच्छे से नहीं सीखे, तो आप 15 दिन दोबारा कंटिन्यू कर लो। द रीजन इज कि आप उनकी गाड़ी पे सीख रहे हो तो उससे आपको एक तो ये फायदा है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप अपनी गाड़ी पे चलाओगे तो तेल और डीजल वगैरह फूकोगे ही, उसके बाद आपके पास एक जो प्रॉपर गाइडेंस होती है वो नहीं होगी जैसा वो लोग सिखा रहे हैं। उनके पास कंट्रोल भी होता है, कल को अगर कुछ गलती होने वाली भी है तो वो कंट्रोल कर लेंगे। एंड तीसरी चीज कि अगर आपने अपनी गाड़ी पे हल्का सा भी स्क्रैच मार दिया ना तो 1,000-1,500 रुपए तो वहीं चले गए, और अगर कहीं ठीक ठाक लग गया तो फिर बाकी आप समझ ही रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ हल्का सा स्क्रैच या इस तरह की कोई चीजें होती भी है तो कोई हैंडल करने वाला उनके साथ होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग अपने कोर्स को, मतलब एक बार तो मुझे 15 दिन का था वो था ही, एक बार उसको एक्सटेंड भी करवाया था, तो ऑलमोस्ट मैंने 1 महीने तक लगातार वो जो ड्राइविंग स्कूल है उसको ज्वाइन करके रखा था जब तक मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ गया था। उसके बाद में जब वो भैया बोल दे कि हाँ अब आप सीख गए हो, इवन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, अंदर से आवाज आ जाए कि अब आप गाड़ी लेके सड़क पे निकल सकते हो, तो फिर आप एकदम ऑड आवर्स में, या तो एकदम रात के अंधेरे में जब सड़कें एकदम खाली हो, या तो फिर एकदम दिन के मतलब एकदम सुबह सुबह जब एकदम बेसिकली मैं कहने लगा कि जब रोड पे बहुत ज्यादा लोग ना हो, तब आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर के निकलिए। बगल में अगर आपके घर में कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने वाला है तो उनको बिठा लीजिए, नहीं तो वो जो भैया है जिनसे आप सीख रहे थे उन्हीं को आप फिर से 1,000-1,500 रुपए कुछ एक्स्ट्रा दे देना, कह देना भैया 1-2-3 दिन के लिए आ जाओ, और आप तब वो गाड़ी लेकर के निकलिए। फिर उससे क्या होगा, उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बिल्डअप होएगा। और ड्राइविंग मतलब एक ऐसी चीज है, जैसे जब मैं था ना मैं सोचता था कि यार भाई ये लोग तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये फिर भी इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, हम इतना मतलब PGG कर रखा है फिर भी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब वो बेसिकली फोबिया था। और ड्राइविंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि एज अ नॉलेज, ये एक स्किल है। आप जितना चलाओगे आप उतना सीखोगे। आज मैं 2 साल में इतना सीखा हूं, कल को 2 साल में मैं हो सकता है और ज्यादा सीख लूं। नाउ फिर उसके बाद एक फेज आता है ना कि जब आप गाड़ी सीख लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं, फिर आप अपने अकेले खुद से गाड़ी लेकर के सड़कों पर निकलते हैं, बट स्टिल आपके अंदर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होता है कि आप जो चाहे मन चाहे वो कर लें। तो होता क्या है कि हम लोग डर के मारे धीरे धीरे चलते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो लगभग मेरी गाड़ी में 6 गियर है, तो लगभग 2 या 3 महीने तक मैं अपने चार गियर से ऊपर मैं गया ही नहीं। मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं 4 गियर से ऊपर जाऊं, क्योंकि 4 गियर तक इतनी स्पीड होती थी कि 5वें का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बट उसके बाद क्या होता था कि लोग पीछे से हॉर्न मारते थे, तो मैं बस आपके ये कहूंगा कि आपको जब लोग पीछे से हॉर्न मारे ना कि मतलब तेज चलो, तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सरकार ने गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है मतलब तेज कितना आपको चलना है ना वो डिसाइड कर रखा है। जैसे दिल्ली में मैक्सिमम रोडों में 60 है, तो आपको कितना तेज चलना है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, कितना धीरे चलना है ये डिसाइड नहीं किया है, तो आप आराम से धीरे चलिए। उसके अलावा एक जो फोबिया मैंने फेस किया, हो सकता है आप में से कई लोग फेस करो, कि कभी कभी क्या होता है जैसे दिल्ली में ट्रैफिक बहुत लगता है, तो कभी कभी जैसे फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं ना भाई, एकदम ऐसे स्लांट सा फ्लाईओवर है और वहां पर ट्रैफिक लग गया, अब क्या वो गाड़ी तो रुक गई, और भाई जैसे गाड़ी स्टार्ट करो तो गाड़ी पीछे आने को जाए, तो भाई इतना मतलब जब भी वो मतलब मैं तो वो रास्ता ही छोड़ दिया था जहाँ पे फ्लाईओवर में जाम लगता था, मतलब मैं इतना डर गया था। फिर इसको मैंने कैसे ओवरकम किया, तो मैं ऐसे और मतलब खाली टाइम के जो मॉल होते हैं ना, मॉल की पार्किंग में मैं जाने लगा और पार्किंग के स्लोप पे मैं गाड़ी को रोक दिया करता था और फिर वहां से स्टार्ट करता था, फिर धीरे धीरे ऐसे कोशिश करके जो स्लांट पे अगर अपनी गाड़ी रोकी हुई है और मेरी गाड़ी पीछे ना जाए और सीधे मैं दोबारा स्टार्ट करूं तो आगे ही जाए ना, तो वो चीज मैंने वैसे करके सीख ली। तो जब भी आप मतलब बेसिकली ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हो सीख रहे हो, तो ऐसी कोई जगह अपने सिटी में कोई मतलब देख लो कि जहां पे आप इस चीज को भी प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि कल को हो सकता है कि ऐसे मतलब प्लांट एरिया जैसे फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं या फिर इवन मॉल की पार्किंग में चाहे कहीं पे भी हो सकता है, अगर आपको गाड़ी बीच में रोकनी पड़ गई और दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी वहां से, तो आपकी गाड़ी बैक आ सकती है। तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो जब आप गाड़ी सीखो तो डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब नाउ जो अगला पॉइंट मैं कवर करूंगा वो है पार्किंग को लेकर के।
तो भाई दिल्ली और नोएडा जैसे यहाँ पे शहरों में पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है और जगह भी बहुत कम मिलती है और आपको बहुत कम जगह में पार्किंग करनी है। तो स्टार्टिंग में तो भाई मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कि मतलब भाई एकदम जगह ढूंढता था जहाँ चौड़ी अच्छी खासी जगह मिल जाए, क्योंकि भैया ने तो पार्किंग वार्किंग सिखा तो दी थी मतलब, पर इतना अच्छे से फिर भी नहीं आया था, क्योंकि पार्किंग भी कई तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल एक तरह की पैरेलल पार्किंग होती है, तो मतलब आपको एक आप कैसे सीखोगे कई तरह की पार्किंग कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल में पहले एक गेम डाउनलोड कर लिया मतलब कार पार्किंग करके। आप प्ले स्टोर में जाओगे या फिर आपका आईफोन है तो एप्पल के स्टोर में जाओ, कार पार्किंग करके कोई भी गेम डाउनलोड कर लो और मोबाइल में जब आप ड्राइविंग आपकी चल रही है मतलब सीख रहे हो, साथ ब साथ वो गेम भी खेलते रहो कोई भी आधे घंटे घंटे के लिए, तो उसमें आप तरह तरह की पार्किंग देखोगे, तो उसमें आप देख लोगे गेम में कैसे करते हैं। फिर वही चीज आपको रियल लाइफ में जब आप ड्राइविंग सीख रहे हो उन भैया को बोलना है कि भैया मुझे ये पार्किंग करनी है और मुझे ये पार्किंग करनी है। तो बल्कि आप एक काम ये भी कर सकते हो ना, जो VLCC मतलब बेसिकली जो कोन होते हैं आपने सड़कों पे देखे होंगे हाईवे पे, जो VLC मीडिया प्लेयर जैसा दिखता है, आप उसको दो मंगवा लो और उन दो मंगवा करके रख करके उनके बीच में पार्किंग करने की प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होएगा कि आपको बहुत इजी हो जाएगी। जैसे मेरी गाड़ी में भी क्या है कि कैमरा है, रिवर्स कैमरा है और पार्किंग गाइडलाइंस भी है, तो उसके बेसिस पे मुझे बहुत इजी होती है मतलब बहुत इजी होता है गाड़ी को पार्क करना। बट अगर आज के डेट में मुझे कोई ऐसी गाड़ी दे देना कि जिसमें कैमरा नहीं और उसको पार्क करना हो, तो मतलब जितने अच्छे से मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर लेता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं वो गाड़ी उतने अच्छे से पार्क कर पाऊंगा। और वैसे भी आप आजकल को कई गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा आ रहा है, अगर आप इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपकी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है तो फिर आपको उतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बट अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा भी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आपको पार्किंग कैसे करनी है। एंड इसके ऊपर आपको अच्छे खासे 4-5 दिन तक सिर्फ पार्किंग का ही क्लासेस लेनी है। और बाकी अभी लेट हो रहा है, थोड़ा ऑफिस निकलते हैं, थोड़ा और रास्ते में मैं सोचता हूँ क्या क्या पॉइंट अगर कुछ छूट रहे हैं वो बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि कुछ और लोग मेरे जो ऑफिस में हैं और साथ के मेरे दोस्त हैं जो लोग काफी टाइम से गाड़ियाँ चला रहे हैं, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा, कि उनसे भी आपको कुछ इनपुट्स में शेयर करवाऊँ। तो आगे फिर अभी ट्रैफिक लगा हुआ, हमने चलो इस टाइम को भी यूज कर लेते हैं। तो जो मैं अगली टिप शेयर करूंगा वो ये कि आपकी गाड़ी में बेसिकली आपको 3 मेन शीशे दिखेंगे, बेसिकली 2 ORVMs राइट और लेफ्ट में, और एक ये सामने वाला, ये पीछे के लिए रियर व्यू मिरर। आप जो सामने देख रहे हो वो तो ठीक ही है, बट आपको हमेशा इन 3 जो मिरर्स हैं इनका यूज करना है। आपको जो दोनों आउटसाइड के रियर व्यू मिरर हैं ये दोनों, इन दोनों का यूज करना है जब भी आप राइट या लेफ्ट लेंगे, चाहे आप लेन चेंज कर रहे हो या फिर चाहे आप बेसिकली कोई टर्न ले रहे हो राइट में या लेफ्ट में। तो ये होगा कैसे, तो इसके लिए क्या होगा ना, जब आप ओवर द पीरियड गाड़ी चलाओगे और आप स्टार्टिंग से ही हैबिट बना लोगे राइट या लेफ्ट जब भी लेन चेंज कर रहे हैं या टर्न ले रहे हैं, आउटसाइड जो ORVMs है उनको देखोगे राइट लेफ्ट लेते हुए या फिर लेन चेंज करते हुए, तो आपकी क्या होगी ना, एक हैबिट बन जाएगी और वो हैबिट आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप कर देगी। तो अगर आपने कभी वीडियो गेम खेला होगा तो आपने देखा होगा कि हमारा ध्यान तो स्क्रीन में होता है, चाहे आप मोबाइल में खेल रहे हो या टीवी में खेल रहे हो, बट जो हम कीपैड्स होते हैं स्क्रीन में या फिर इवन रिमोट में, हमारी उंगलियां उसको ऑपरेट कर रही होती है पर हम देख नहीं रहे होते हैं फायर के लिए कौन सा बटन है, कैसे जंप करना है, क्या होता है। तो एक मसल मेमोरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही आप अपनी मसल मेमोरी डेवलप कर लोगे ना, तो अपने आप जैसे आप देख तो सामने हो रहे हो, आपको राइट लेना है तो अपने आप आपकी आंखें तिरछी होकर के देख लेंगी कि राइट स्पेस है या नहीं, उसी तरह से लेफ्ट में भी आप ऐसे ही करके देख लोगे कि स्पेस है या नहीं, यानी कि अब आप लेफ्ट ले सकते हो या नहीं। इसके साथ साथ आपको एक चीज और इंप्लीमेंट करनी है, तो जब भी आप राइट या लेफ्ट ले रहे हो, अगर राइट लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो आपको इंडिकेटर देना ही देना है, बट अगर आप लेन चेंज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से हमेशा आप लेन चेंज इंडिकेटर अपनी गाड़ी में जरूर दो। पहले तो आप देख लो और जब आपको जगह मिले तुरंत लेन चेंज इंडिकेटर दे दो और फिर उसके बाद आप अपनी लेन चेंज करो। आप इस तरह के दिल्ली के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो ना, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी गाड़ी में स्क्रैच ना लगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पूरा स्पेस लेकर के गाड़ी चलानी है। अगर कोई भाई साहब आगे निकलना चाह रहे हैं तो भाई उनको थोड़ी सी आप जगह दे दो, पर आप देखो कि आपके अगल बगल इतनी जगह हो कि आपकी गाड़ी किसी से टच ना हो। 5 मिनट लेट सही है पर गाड़ी में स्क्रैच नहीं सही है। नेक्स्ट टिप, हमेशा अपनी एक लेन पकड़ के चलो। ज्यादा जल्दी के चक्कर में लेफ्ट में थोड़ा सा जगह दिखी तो घुसा दी गाड़ी या फिर राइट में जगह दी घुसा दी गाड़ी ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो एक बार आप अपनी लेन पकड़ लो और उसी लेन में आप धीरे धीरे चलते रहो जब तक आपको इतना एक्सपीरियंस ना हो जाए कि हाँ अब जगह मिली है तो हम अपनी लेन कर सकते हैं और ओवरटेक कर सकते हैं। जो अगली टिप है वो ये कि रोड आपकी चाहे जितनी भी खाली हो मतलब आगे कितना भी स्पेस हो, बट मेरे हिसाब से आपको एक डिसेंट गैप और एक डिसेंट स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए। अगर आप एकदम चिपका चिपका के चलाओगे और ज़्यादा तेज गाड़ी चलाओगे और आपकी गाड़ी में और आगे वाली गाड़ी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होएगा, बट सपोज आगे किसी और की गलती से 2-3 गाड़ियाँ आपस में लड़ जाती हैं सडन ब्रेकिंग के चक्कर में, फिर आपके पास भी मौका नहीं होगा ज़्यादा मतलब तुरंत ब्रेक लगा करके अपनी गाड़ी को बचा पाने का। अगर कम गैप होगा तो आप भी उसमें भिड़ जाओगे।
तो फिर अब अपन आ गए ऑफिस और गाड़ी हमने लगा दी है बेसमेंट में, और बाकी बातें शाम में करते हैं, और कुछ और लोगों की राय और ओपिनियन जैसे मैंने कहा आपसे शेयर करूंगा मैं, तो उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ प्रशांत जी हैं, और प्रशांत जी पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने समय से गाड़ी चला रहे हैं। मैं लगभग 2016 से गाड़ी चला रहा हूँ, तो 6 साल हो गए हैं। और कितना किलोमीटर गाड़ी आपने चला लिया होगा? मैंने अपने समझ में आज तक 40 से 50 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी। प्रशांत जी का लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है और 40 से 50 हज़ार किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। तो प्रशांत जी, जो लोग मतलब गाड़ी सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं या फिर जस्ट नए नए सीखे हैं, तो आप उनको क्या टिप देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखिए, जो आप लोग जो भी नई गाड़ी चलाने जा रहे हैं या मतलब नए हैं ड्राइविंग के लिए, तो आप छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखिए। पहली बात कि आपको गाड़ी जो है ना हमेशा लो बीम पे चलानी है, अनटिल अनलेस आप किसी हाईवे पे नहीं हो, और जब आप हाईवे पे हो तभी एक बार आप हाई बीम करके देख सकते हैं आगे तक का ट्रैफिक। आप शहर में लो बीम पे चलाइए। और दूसरा, हमें समझ में नहीं आता है कि गाड़ी लेफ्ट कॉर्नर में, हम लोग हमेशा राइट साइड से ड्राइव करते हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर हम जज नहीं कर पाते हैं कि कितना बाहर निकला है, कहीं वो कहीं लड़ तो नहीं रहा है। तो आपने बस एक काम करना है, छोटा सा मेरे साथ आ जाइए, आपने जो पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक या जूस पीने वाली जो स्ट्रॉ होती है ना, आप उसको किसी भी पेपर टेप से इस एंगल पे, यहाँ पे जहाँ पे आपकी लाइट है ना, लाइट के पीछे आप यहाँ पे चिपका दीजिए बिल्कुल ऐसे, तो ये छोटी सी वो रहेगी और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और ये आपको हमेशा शीशे में दिखती रहेगी। इससे क्या होगा कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि गाड़ी टच नहीं हो रही है कहीं पे, और वो बिल्कुल भी अलाउड है। प्लास्टिक का एक वो है स्ट्रॉ है, और पेपर टेप से आप चिपका दीजिए, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का ये वाला जो स्ट्रॉना है जो आपको दिखता नहीं है और हमेशा यही रगड़ा जाता है, इस गाड़ी में भी किसी ने रगड़ दिया है, तो ये कहाँ पे आपको पता चल जाएगा, तो ये चीज़ आप जज कर पाएंगे बेटर तरीके से। धन्यवाद प्रशांत जी। तो इस वीडियो में मैंने मोस्टली मेजर पॉइंट्स को कवर किया कि जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तो मुझे क्या क्या दिक्कतों या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और कोई भी मेरे अलावा कोई भी अगर गाड़ी चलाएगा तो उसको एटलीस्ट मतलब जब आप नई गाड़ी सीखोगे बेसिकली तो आपको ये परेशानियां हो सकती हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि सपोज आप गाड़ी चला रहे हो और आपको आगे सिग्नल से राइट लेना है से, तो आप कोशिश करिए कि आप एकदम राइट वाले लेन में रहें। वहीं अगर आपको लेफ्ट लेना है तो पहले से ही आप लेफ्ट लेन में रहें, मतलब आपको जिस सिग्नल से अगर बेसिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको जिस तरफ जाना है तो कोशिश करें कि आप उसी लेन में रहें। बाकी जितने टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए, जितने पॉइंट मैंने शेयर किए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि स्लोप पे मैंने कैसे गाड़ी चलाना सीखा, या फिर गाड़ी का राइट और लेफ्ट जज करना कि मतलब हमारा राइट टायर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टायर कहाँ जा रहा है, उसको जज करना, तो मैं ये सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो खैर, वो डिपेंड करता है कि आप मुझे इस वीडियो पे कितना प्यार देते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।